हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैंने बहुत ही लेट मेरे व्लॉग यानी ऑन किया है। गुड मॉर्निंग तो बोल ही नहीं सकती, अभी गुड आफ्टरनून हो रहा है, पर जब ये व्लॉग जा रहा होगा तब आपके लिए गुड मॉर्निंग ही होगी। तो गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स, आई होप मेरा दिन भी आज अच्छा जाए और आपका भी दिन बहुत ही अच्छा जाए। तो अभी मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, यानी बहुत ज़्यादा, अभी 2 बज गई है और दुकान पे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे और चिकू एकदम पागल जैसे मुंह बना रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यही करते हैं, यानी हमेशा मेरे को लेट करना होता है यही करते हैं। कल मैंने व्लॉग ऑन तो किया पर मैं व्लॉग यानी पूरा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई। कल वीकेंड था यानी संडे था, तो हम लोग गए थे बाहर, मम्मी पापा मैं और चिकू, हम गए थे यानी चिकू के कज़िन के घर पर। तो बहुत मज़ा किया, मस्ती की और रात को आए, यानी रात को हमारा सोलर, हमारे घर पे यानी सोलर लगा हुआ है तो वो भी बिल्कुल डिस्चार्ज और लाइट्स भी नहीं थी। पूरी रात बड़ी मुश्किल से निकली है, पूरी रात चिकू को मैंने पंखे से हवा की, वो पंखा तुमने दे दिया नहीं, पंखे से हवा की, इनको सुला दिया, फिर ये खुद सो गए, फिर थोड़ी देर बाद गर्मी लगी, उठे तो फिर बोले कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मैं सो गई, मुझे उठा दिया। और फिर रात को आई 2 बजे लाइटें और फिर हम शांति से सोए और आज उठने में भी लेट हो गए। जब से आई थी तब से फुल कस्टमर थे शॉप पे और अभी बज रही हैं 4:03, 2:10 पे ऐसी कुछ आई थी, तब से नॉन स्टॉप कस्टमर थे तो बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और बहुत दिन हो गए मैंने हेयर में ऑयल भी नहीं लगाया है। तो मैंने सोचा ज्योति से प्रॉपर मसाज ले लेती हूँ क्योंकि चिकू तो उनकी मर्जी बड़े, थोड़ा सा ऑयल यहाँ लगा, थोड़ा यहाँ लगा, थोड़ा यहाँ लगा, कैसे करते थे वो, सारा तो ऑयल हाथ में ले लेते, थोड़ी थोड़ी बूंद गिरा देते, फिर करके दे देते। तो ऐसे मसाज होती है तो बालों की कुछ केयर हो नहीं पाती है। अब से मैं सोच रही मेरे बालों की प्रॉपर केयर करूँ क्योंकि अभी बालों के साथ बहुत कुछ काम हो गया है, इसलिए अब होगी मेरे हेयर मसाज। तो हेयर मसाज और मैं ऑयल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, लॉरेल का हेयर स्पा ऑयल यूज़ कर रही हूँ आज मैं। एक तरफ कैमरा रख देती हूँ, मैं मेरी हेयर मसाज को एंजॉय करती हूँ और आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो। आज न्यू गाइडलाइन आ गई है, अब शॉप 4 बजे बंद नहीं होगी, अब 7 बजे तक बंद होंगी और वैक्सीनेशन ऐसा कुछ कंपलसरी है। तो अपने तो सबके लग गया है वैक्सीनेशन, इसलिए दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। तो चलो बढ़िया है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया है तो सही है, क्योंकि मेरा अब सैलून में तो क्या होता है ना, बेचारी औरतें फ्री होके ही तो आती है, अब जब वो यानी रेस्ट करने का टाइम होता है उस टाइम पर तो काम कर रही होती है। ये हुआ है ज्योति का हेयर कट जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लुक इट, वेरी नाइस। ज्योति के हेयर्स हैं वो कट चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैंने वीडियो डाल दी है यानी इसके अंदर ही, जो ज्योति के मैंने बालों की वीडियो ली है वो। पास में आके दिखा, पीछे को, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ज्योति के बाल। पीछे घूम, वापस घूम थोड़ी। मैंने ज्योति के पूरे बाल 90 डिग्री एंगल पे काटे हैं और उसके बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं, इतने ही थिन हैं यानी बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो कम से कम थोड़े बाउंसी लगेंगे तो अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। फ्लावर कट काटे हैं ये, इतने बाल ज्योति के काटे हैं
थोड़े से उधर भी जाके गिरे। बोल लव ज्योति अब करेंगे बारह किसका भाई। अब मेरे घर पे भी ले जाने पड़ेंगे थोड़े बाद। क्यों बताएगी क्या? तो ही बता ना, ज्योति ने अभी एक जोरदार चीज बताई, अब बता क्या चीज थी वो। मैंने भी पहली बार सुनी है। नहीं 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 यूं बोल रही है, अगर अपन कहीं पे भी बाल कटवाते थोड़े बाल ले जाके अपन को अपनी अलमारी में रख दो तो थोड़े से बाल अपने जो कटते ना उससे ज्यादा बढ़ते हैं। अब यूं कर, जितने भी बाल कटे हुए ना वो सारे डिवाइड करके जो कटवा के गए उनको बांट। अरे कल रात को लाइट ही नहीं थी, कैसे रहे? बाप रे, साढ़े कितनी, साढ़े बारह बज गई थी। साढ़े बारह क्या, डेढ़ बजे लाइट आई है। साढ़े बारह डेढ़ बजे, डेढ़ बजे अब तक बारह हमारे भी सोलर डिस्चार्ज हो गया था बिल्कुल। हमारे हमारा सोलर बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। फिर जियाजी मेरे को क्या बोलेगी, चिकू बोलेगी मेरे को हवा कर, मेरे को नींद आ जाएगी। मैं हवा करती नहीं सो गए आराम से मस्ती से। फिर थोड़ी देर बाद उठ के फिर क्या बोले कि मेरी नींद खुल गई, अब वापिस हवा कर। मैं सो गई हूँ, मेरे को क्यों उठा रहे हो, मेरे को नींद आ गई थी अच्छी। अभी हो गई हूँ मैं फाइनली फ्री और अभी बज रहे हैं 7:15 और अभी जा रही हूँ मैं घर पे, खाना वगैरह बनाएंगे। अब आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, इधर साइड कुछ खुल गई, इधर साइड चालू है वो बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ चालू तो नहीं है, नहीं है, ये सब जैसे एज इट इज पड़ा हुआ है। अभी क्लाइंट गए इसलिए, तो ये कल आके ज्योति करेगी। अपन तो चलते हैं भाई घर पे, बहुत ज़्यादा थक गए। एग्जॉस्ट भी बंद कर देते, बाय बाय शॉप करो, अब जाते हैं घर पे। अच्छा 7 बजे हो गया। हाँ नई गाइडलाइन आई है ना, जिनके भी वैक्सीनेशन हो गया है वो खोल सकते हैं, जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो नहीं खोल सकते। कॉल कर दो, अभी मैं बाइक चला रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं घर पे, ये इनको इनका खाना दे रहे हैं, ये भूखे हो गए इसलिए। देर ही आ जाते, इधर इधर अंदर 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 जाओ, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। वो कम नहीं है, वो बहुत बदमाश है। चलिए अब आपको हम ले जाते हैं हमारे किचन में, और किचन में आज बन रहा है तोरी की सब्जी और ये सब मसाला पक रहा है। और तोरे की सब्ज़ी हमारे यहाँ पे बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई जाती है, यानी दूध वाली तोरे की सब्ज़ी बनाई जाती है, जो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं आज आपको बताऊँगी क्या पूरी सब्ज़ी बन गई, नेक्स्ट कभी बताऊँगी, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी मैं आटा गूंद देती हूँ। और आज सुबह जो भी सब्ज़ियाँ लाई थी वो सारी वॉश करके रखी हुई है यहाँ पर मैंने। अब एक एक व्यवस्थित पूरी इसकी जो भी वेजिटेबल की पॉलीथिन है उसके अंदर पैक कर करके फ्रिज में चीज़ें स्टोर करके रख देंगे। और यहाँ पर मैं साथ साथ में खा रही हूँ आइसक्रीम वाला केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। खा लेती हूँ, नहीं तो चिकू खा लेंगे इसलिए। कैमरा भी साइड में रख देती हूँ तो आप लोग देखते रहिए क्या क्या काम हो रहा है। फिलहाल तो कुछ काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा केक भी खा रहे हैं साथ साथ में, चिकू से छुप के खा रहे। चिकू जलो देखो केक खा, देख देखो मसाला पक गया है, इसके अंदर मैं तोरे डालूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी जिससे पकने में हेल्प हो जाए तोरे को। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी जिससे
तोरे को पकने में हेल्प हो जाएगी। तो कर देते हैं पैक इसको, एयर टाइट पैक करते हैं, जिससे मैं ऊपर ये रख देती हूँ, फटाफट पकती है सब्जी। मिट्टू भी बहुत बोल रहे हैं, साथ साथ में केक को भी इंजॉय करते रहेंगे। केक एक पत्थर है। आटा लेके आती हूँ, आटा बांध। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी, जिससे कि आटा सूखे नहीं। ये जब तक सेट होता है तब तक हम हमारी सब्जियां हैं उनको पैक कर देते हैं। सब्जी पक गई है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी है वो जला देते हैं और पक गई है। इसके बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे दूध, तो चेक करने के लिए ऐसे करके साइड में आके तोड़ के देख लेते हैं। ये बन गई हमारे लिए दूध वाली तोरी और बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी। तोरी जब तक बन रही है तब तक हम उससे काम कर देते। ये सब्जी वाला मैं बाद में करूँगी, तोरी हो गई है तो खाना ही खा फिर बाद में करेंगे। सब सब्जियाँ वगैरह अच्छे से पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ। जो सूख गई है वो डाल दूँगी, अब जो गीली है उनको तो रहन दूँगी, नहीं तो वापस ख़राब हो जाएगी। इसलिए खीरा तो सूख चुकी है, अभी बाहर ही रहन देती हूँ, गीली है इसलिए। ये भी कम थोड़ी है, मेरे को दे दो, मेरे हाथ में दे दो मेरे को, फिर मैं खाऊंगा। लो मिट्टू, एक हाथ से पकड़ेगा फिर खाएगा। अब खरगोश को ले जाते हैं इनके छोटे घर से बड़े घर के अंदर। ये भी वेट कर रहे हैं खरगोश। हाँ, कब अंदर जाए ऐसे। चलो आ जाओ। इनको पता है पत्ता गोभी भाती है खाने में, ये बहुत बदमाश है इस वाला। आता नहीं अंदर, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। वजन बढ़ गया। हाँ, खाना भी इनका ले लो, थोड़ा पत्ते ले लेना। काफी नहीं, ज्यादा लो थोड़े। ये की सही है ना? सही है।
इनको तो बस ग्रीन चाहिए। कितने किलो के हो गए? 5 किलो के तो होंगे दोनों। अच्छा कितने लाए थे जेब में? अच्छा इतने लाए थे अपन, छोटे छोटे थे। लैला का खाना भिगा दिया है, लैला को भी दे देते हैं। खालू खालू कर रहे हो? ये खिलाने देता है? हाँ वो नहीं टच करने देता है, पहले वो करने देता था, ये नहीं करने देता था। ये बोलते नहीं, बोलते तो मजा है नहीं। अभी हो गई हूँ फाइनली अब फ्री। मेरे खरगोश भी घर के अंदर आ गए हैं, मिट्टू को भी खाना दे दिया है। आज मम्मी नहीं है इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, बाकी मम्मी तो सारा संभाल लेते हैं। मम्मी एनिमल लवर है बहुत ही ज़्यादा बड़े। इसी के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय।